नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं प्रिया हाजिर हूं हमारा खास कार्यक्रम सियासी दंगल लेकर। यूपी की राजनीति में दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में कई पुराने नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। सपा के संस्थापक सदस्य रहे अंबिका चौधरी ने फिर से सपा का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में अंबिका चौधरी जमकर रोए। अखिलेश यादव ने उन्हें चुप कराने की लाख कोशिशें की, लेकिन अंबिका चौधरी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं सिर्फ अंबिका चौधरी ही नहीं, बल्कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ने भी अखिलेश के हाथों में अपनी पतवार पकड़ा दी है। ये वही अंसारी खानदान है जिसे अखिलेश यादव ने ही सपा से बाहर का रास्ता दिखाया था। वहीं आज बीजेपी को हराने की मजबूरी सबको साथ ले आई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी की राजनीति में एक बात बहुत साफ है कि कल तक जो तुम्हारा था वो आज किसी और का है, और आज जो किसी और का है वो कल तुम्हारा हो सकता है। बस इसी मूल मंत्र के साथ यूपी की सियासत के दिग्गज खिलाड़ी आगे बढ़ते रहते हैं। कभी कोई नेता किसी दल को साइडलाइन करके दूसरे की गोद में बैठ जाता है, तो कभी कोई दल उनको धक्का देकर बाहर कर देता है। आज जो नजारा समाजवादी पार्टी कार्यालय में देखने को मिला वो कुछ इसी तरह का था। जब आंसुओं की बौछार भी हुई और कुछ के चेहरे पर तिरछी मुस्कान भी दिखाई दी। समाजवादी विचारधारा का ऐसा मिलन विरले ही देखने को मिलता है, लेकिन माफ कीजिएगा, समाजवादी विचारधारा से मेरा मतलब समाजवादी विचारधारा से नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा से है, जहां पुराने और बुजुर्ग समाजवादी नेता नए नेतृत्व के आगे फूट फूट कर रोते नजर आए। और रोए भी क्यों ना, सत्ता की लालच में दूसरे दल का दामन जो थाम लिया था, और अब जब 2022 के चुनाव करीब हैं, तो शायद समाजवादी पार्टी में उनको अपना राजनीति का बचा कुचा भविष्य दिखाई दे रहा है। वैसे तो समाजवादी पार्टी में एंट्री मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मंच पर दो आंसू अगर टपका दिए तो कहने ही क्या। आखिर यूपी की राजनीति के टीपू को भी पता चलना चाहिए कि पुराने नेता उनसे कितना प्यार करते हैं। और हाँ, इसे सत्ता का लालच मत समझिएगा, सत्ता का क्या है, वो तो आती जाती रहती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राजनीतिक दल और नेताओं का रंग भी बदल रहा है। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में माफिया डॉन और बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सबकतुल्लाह अंसारी ने अपने बेटे के साथ पार्टी की सदस्यता ले ली। इसके साथ ही अंबिका चौधरी ने भी बेटे के साथ घर वापसी की। मुलायम सिंह यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अंबिका चौधरी और लोकसभा के चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे। अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मऊ से बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के भाई पूर्व विधायक सबकतुल्लाह अंसारी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सबकतुल्लाह अंसारी के साथ उनके बेटे मुन्नू अंसारी भी सपा में शामिल हुए। अंबिका चौधरी 1993 से लगातार विधायक रहे। 2017 में बसपा से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। पंचायत चुनाव में उनके बेटे ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और जिला पंचायत अध्यक्ष बने। सबकतुल्लाह अंसारी भी बेटे के साथ साइकिल पर सवार हो गए। इनके साथ भारी संख्या में उनके समर्थक भी साथ पहुंचे। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सबकतुल्लाह अंसारी के साथ उनके बेटे मन्नू अंसारी ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। मोहम्मदाबाद विधानसभा से दो बार विधायक रह चुके मुख्तार के बड़े भाई सबकतुल्लाह समर्थकों के साथ गाजीपुर से लखनऊ पहुंचे थे। सबकतुल्लाह अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक रह चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अलका राय से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर वो सपा का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में लगभग तय है कि उन्हें या उनके बेटे को 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा वहां से टिकट देगी। ऐसे में गाजीपुर की सियासत एक बार फिर से दिलचस्प होने जा रही है। अंसारी परिवार पहले भी सपा का हिस्सा रह चुका है। कौमी एकता दल नाम से राजनैतिक पार्टी भी बनाई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी अंसारी परिवार ने कौमी एकता दल का विलय सपा में कर दिया था। अखिलेश यादव के विरोध पर पूरे परिवार को बाहर होना पड़ा था।
जिसके बाद बसपा ने उन्हें गले लगाया था। इसके बाद ही मऊ की सदर सीट से मुख्तार अंसारी, घोसी सीट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी व गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से सिबकतुल्ला अंसारी को बसपा ने टिकट दिया। मुख्तार के अलावा जीत किसी को नसीब नहीं हुई। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन की ओर से बसपा ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया था और वो जीते भी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे अंबिका चौधरी ने भी करीब 5 साल बाद पार्टी में वापसी की है। इसकी पटकथा महीनों पहले तय हो गई थी जब इनके बेटे को समाजवादी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया था। अंबिका चौधरी मुलायम और अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा फेफना विधानसभा सीट से 4 बार विधायक भी रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी को सपा में शामिल करते हुए कहा कि नेताजी के जितने पुराने साथी हैं उन्हें समाजवादी पार्टी से फिर जोड़ा जाएगा। ज्वाइन करने के मौके पर अंबिका चौधरी भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, आज का दिन उनके लिए पुनर्जन्म की तरह है। बता दें 2022 में विधानसभा चुनाव हैं और सभी बड़े नेता अपने लिए सुरक्षित जगह की व्यवस्था करने में जुटे हैं। कोई अपने पुराने दल में वापस लौट रहा है तो कोई अपने पुराने दल को अलविदा कर रहा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2022 के लिए वो पुराने साथियों की तलाश में है, क्योंकि बीजेपी को पटखनी देने के लिए सियासत का तजुर्बा बहुत जरूरी है और वो हाल फिलहाल सपा में देखने को मिल नहीं रहा है। और ये बात अखिलेश यादव को भी समझ आ चुकी है कि इसी के चलते वो चाहते भी हैं कि मुलायम सिंह के जितने सभी साथी अभी राजनीति में एक्टिव हैं वो सब घर वापसी कर लें, जिससे बीजेपी को चुनावी मैदान में टक्कर दी जा सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2022 के चुनाव में अभी लगभग 6 महीने का समय बचा है और कितने ही नेता अभी सपा का दामन छोड़कर दूसरे दलों की गोद में बैठने को बेताब नजर आ रहे हैं। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।